गाइस आई एम अजय फ्रॉम डेव और इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर में क्वारी पैरामीटर्स एंड यूज़ सर्च पैराम्स हुक को देखेंगे सो व्हाट आर क्वारी पैरामीटर्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम पाथ पैरामीटर्स तो आपने डायनेमिक राउटिंग में देखा था कैसे हम राउट्स के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और वो वेरिएबल होते हैं पाथ वेरिएबल जिनको हम लिखते हैं कुछ इस सेंस में कोलन एंड वेरिएबल नेम तो ये होते हैं पाथ वेरिएबल और पाथ पैरामीटर्स नाउ क्वेरी पैरामीटर होते हैं जो यू में क्वेश्चन मार्क के बाद आते हैं फॉर एग्जाम्पल गिटअप डॉट कॉम में इफ यू गो टू योर गिटअप प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन डिपॉजिट्री देन यू विल सी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ वैल्यूज हैं key equals value. की इक्वल्स वैल्यू इस इंटेक्स में यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्वेरी पैरामीटर की की है एंड राइट साइड में क्वेरी पैरामीटर की वैल्यू है सिमिलरली इफ यू गो टू स्टार टैब देन की सेम है बट वैल्यू डिफरेंट है एक और एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ यू गो टू डेव इलेवन गो टू एनी टॉपिक दैट हैज़ मल्टीपल वीडियोज देन यू विल सी राइट नाउ देर इज नो क्वेरी पैरामीटर बट इफ आई सेलेक्ट दिस सेकेंड वीडियो देन यू विल सी देर इज अ क्वेरी पैरामीटर वी आई डी एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वी आई डी चेंज हो जाती है इफ़ आई गो दिस देन वी आई डी अगेन चेंज हो गई तो ये होता है क्वेरी पैरामीटर्स क्वेरी पैरामीटर्स बेसिकली फिल्टरिंग सॉर्टिंग इस टाइप की स्टेट्स को स्टोर करने में हेल्पफुल होते हैं बेसिकली स्टोरिंग सम एप्लीकेशन स्टेट इन दी यूआरएल ताकि वो यूआरएल शेयरेबल हो एंड अगर वो यूआरएल किसी और को दो एंड दैट पर्सन ओपन दैट यूआरएल इन देयर टैब तो वो भी सेम एप्लीकेशन स्टेट को देखे। दैट मींस अगर मैं ये यूआरएल किसी पर्सन को शेयर करूं एंड दे ओपन इट इन देयर टैब तो फिर सेकंड वीडियो ही सिलेक्टेड होगी एंड वही प्ले होगी सी सेकेंड वीडियो प्ले हो रही है तो यही एक क्वरी पैरामीटर्स के यूज केसेस समथिंग लाइक फिल्टरिंग लेट्स से आप टेबल में कॉलम्स को किसी फील्ड से फिल्टर कर रहे हो तो आप वो फील्ड क्वेरी पैरामीटर में स्टोर कर सकते हो आप सॉर्टिंग डायरेक्शन स्टोर कर सकते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड बेसिकली एनी एप्लीकेशन स्टेट जो आपको यू आर एल में एम्बेड कर सकते हो दैट विल बी एम्बेडेड एज अ क्वेरी पैरामीटर वैल्यू तो अब इसे कोड एग्जाम्पल से समझेंगे और हम भी कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे एंड वी विल यूज क्वेरी पैरामीटर्स टू स्टोर सम एप्लीकेशन स्टेट तो उसी मेरे पास अभी एक सिंपल पेज है होम पेज एंड इन द कोड आई जस्ट हैव अ हेडिंग एंड पी टैग अब यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले लेट्स से अ लिस्ट ऑफ पीपल विद देयर नेम एंड देयर गिटहब हैंडल नाउ इस एरे को रेंडर करेंगे सो वी हैव आ लिस्ट ऑफ पीपल विद देयर नेम अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि जब भी एक नाम पे क्लिक हो तो उसका हैंडल हम कुरी पैरामीटर में स्टोर करेंगे सो so दैट अगर वो हैंडल सेलेक्टेड है तो हम उसका कलर देंगे रेड अदरवाइज हम उसे कलर देंगे ब्लू तो सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे कि सेलेक्टेड हैंडल क्या है हम तो जब भी उस उसपे क्लिक करेंगे तो हम उसे स्टेट में स्टोर कर लेंगे एंड अब हम इस पर लगाएंगे स्टाइल इफ सेलेक्टेड इज इक्वल टू दिस हैंडल देन वी अप्लाई रेड कलर अदरवाइज वी अप्लाई ब्लू कलर वी ऑल्सो नीड टू पास दी हैंडल हियर तो अभी कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो कलर ब्लू है एंड इफ आई क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दीज तो कलर रेड है राइट right? बट अब मान लो मुझे ये वाली स्टेट स्टोर करनी है कि जब भी पेज लोड हो तो मिर कुमार रेड कलर में हो यानी सेलेक्टेड हो बट अगर मैं अभी पेज रिफ्रेश करूँ तो वो रीसेट हो जाती है स्टेट तो इस स्टेट को स्टोर कर सकते हैं हम क्वेरी पैरामीटर में लेट्स हाउ उसके लिए रिएक्ट राउटर ने हमें दिया है यूज सर्च पैराम्स हुक जैसे यू स्टेट दो चीजें रिटर्न करता है वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट दैट वैल्यू ऐसे यू सर्च पैराम्स भी एक क्वेरी रिटर्न करता है और अ फंक्शन टू अपडेट दैट क्वेरी अगर आप क्वेरी का टाइप देखो तो वो है यू आर एल सर्च पैराम्स यू आर एल सर्च पैराम्स एक इंटरफेस है जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही नेटिवली प्रेजेंट है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू रिएक्ट वो जावास्क्रिप्ट में नेटिवली प्रेजेंट है इट हैज मेथड्स टू वर्क विथ क्वेरी स्ट्रिंग ऑफ द यू आर एल तो ये क्वेरी वही है तो हमें दो काम करने हैं जब भी हम स्टेट को अपडेट करें ऐप में तो हमें क्वेरी को भी अपडेट करना है तो लेट्स डू दैट फर्स्ट हम क्वेरी में की एंड पेयर की हैंडल एंड वैल्यू है जो एक्चुअली फंक्शन में आ रही है एंड बिकॉज ये दोनों सेम है तो जावास्क्रिप्ट अलाउज अस टू राइट इट लाइक दिस तो लेट्स सेव इट सो इफ आई क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दीज तो आप देखो हैंडल क्वेरी पैरामीटर में स्टोर हो गया एंड अपडेट भी हो गया बट इवन इफ आई रिफ्रेश इट नाउ तो हमने क्वेरी से उठा के उसको यहाँ यूज़ नहीं किया अभी स्टेट के अंदर तो लेट्स डू दैट उसके लिए हमें दो काम करने हैं पहला यू स्टेट के अंदर हम सेलेक्टेड को इनिशियलाइज ही क्वेरी से करेंगे आओ लेट्स सी क्वेरी से कोई भी की का वैल्यू निकालने का तरीका है ये हैंडल इज द की एंड सेलेक्टेड हैंडल होगी उसकी वैल्यू हम इसे इनिशियलाइज करेंगे तो लेट्स सी इट नाउ इफ़ आई रिफ्रेश यू विल सी हमने क्वेरी से वैल्यू उठा के स्टेट को इनिशियलाइज कर दिया एंड देन यू सी मेहर कुमार रेड कलर में है सेम गोज़ फॉर दिस हैंडल एंड दिस हैंडल इफ आई रिफ्रेश यू विल सी यहाँ पे स्टेट री हो जाती है हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब देखो हम स्टेट में भी सेलेक्टेड स्टोर कर रहे हैं और क्वेरी में भी सेम सेलेक्टेड स्टेट स्टोर कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ डोइंग इट एट बोथ प्लेसेस हम सिर्फ क्वेरी में रख सकते हैं इसे दैट मीन्स वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड दिस एंड सेलेक्टेड हैंडल को हम डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हैं एंड इट स्टिल वर्क नाउ यहां पर हम जब भी सेट क्वारी कर रहे हैं तो हम पूरी क्वेरी पैरामीटर को दोबारा से रिसेट कर रहे हैं एंड न्यू वैल्यू सेट कर रहे हैं सो वी आर ओवर राइटिंग एवरीथिंग बट अगर पहले से ही कोई और क्वेरी पैरामीटर प्रेजेंट है तो वी डोंट वॉन्ट टू ओवर राइट इट वी वॉन्ट टू मर्ज हैंडल विद द प्रीवियस क्वारी पैरामीटर्स फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे ए क्वस्ट टू बी पहले से प्रेजेंट था एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस तो आप देखो ए क्वस्ट टू भी हट गया हमने ओवर राइड कर दिया उसे बट वी डोंट वॉन्ट दैट वी शुड नॉट डू दैट हमें वो भी प्रिजर्व करना है एंड बस हैंडल को अपडेट करना है टू डू दैट वी विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ करंट क्वारी एंड सेट देंडल वैल्यू एंड देन ओवरराइट विथ द कॉपी इन दिस वे पहले हम करंट क्वेरी की कॉपी बनाते हैंडल को ओवरराइट करते हैं एंड देन उसको सेट करते हैं इफ आई सी इट नाउ तो अगर मैं इसे अपडेट करूंगा तो यू विल सी ए कोस टू बीज प्रिजर्व सो दिस इज दिनरिक वे टू डू इट जब भी आप क्वेरी सेट करो तो यू शुड ऑलवेज मर्ज अनलेस आपके पास सिर्फ एक ही स्टेट है देन इट्स सेफ टू ओ ओवर राइट इट तो ये था क्वेरी पैरामीटर्स रिएक्ट राउटर में एंड हमने देखा कैसे क्वेरी पैरामीटर्स हेल्पफुल होते हैं कैसे क्वेरी पैरामीटर को यूज करके हम एप्लीकेशन स्टेट यूआरएल में स्टोर कर सकते हैं ताकि वो यूआरएल आर शेयरेबल हो एंड इफ समवन एल्स ओपन दैट यूआरएल तो उन्हें वो सेम एप्लीकेशन व्यू मिले जो हमें मिल रहा है एंड वी ऑल्सो सो हाउ टू यूज यूज सर्च फर हुक आगे हम देखेंगे कैसे नेविगेशन परफॉर्म करना है कैसे एक राउट से दूसरे राउट पे यूजर को नेविगेट करना है यूजिंग कोड तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन तब तक के लिए धन्यवाद